हीरो हीरो चुपलाल तोड़ेगी बाहुबली का रिकॉर्ड। क्या चुपलाल फिल्म बाहुबली से बड़ी है? क्या कंपैरिजन हो सकता है राजा मौली की दोनों बड़ी फिल्मों में? क्या ट्रिपल आर बीट करेगी बाहुबली को? निग्रा स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साउथ के फेमस डायरेक्टर एसएस राजा मौली की दो बड़ी फिल्मों के बारे में और उनकी तुलना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एसएस राजा मौली साउथ में तो एक वेल नोन डायरेक्टर थे, लेकिन हिंदी बेल्ट में उनका मार्केट सुपरहिट फिल्म बाहुबली के बाद बना था। तब से मानो साउथ इंडिया मूवीज और पैन इंडियन फिल्म्स का एक अलग ही फैन बेस बन गया है। बाहुबली दो पार्ट्स में आई थी, 2015 में द बिगिनिंग और 2017 में द कंक्लूजन। सभी ये देखने के लिए एक्साइटेड थे कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बाहुबली फिल्म उस वक्त इंडिया की सबसे महंगी फिल्म थी, जिसका बजट 350 करोड़ से भी ज्यादा था। लेकिन इस साल आने वाली राजा मौली की ट्रिपल आर का बजट बाहुबली के बजट से भी आगे निकल चुका है। एक इंटरव्यू में फिल्म मेकर ने खुद ये बात बताई थी कि हम लाखों करोड़ों का खर्च करके फिल्म बना रहे थे और अचानक से पैंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया रुक गई, लेकिन प्रोडक्शन और मटेरियल का खर्चा नहीं रुका। जब कोई फिल्म 3 सालों से बन रही हो तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ ही जाती है, और ट्रिपल आर का बजट बाहुबली से भी आगे बढ़ चुका है। लेकिन इसमें अफसोस की बात नहीं है। उनकी ये बात सुनकर हम ये जरूर कह सकते हैं कि उन्हें बजट बढ़ने की कोई परवाह नहीं है। वो तो सिर्फ ऑडियंस को एंटरटेन करना चाहते हैं, और ये भी तय है कि फिल्म का बजट 350 करोड़ से भी ज्यादा है। फिल्म का बजट बड़ा होने के साथ साथ इस फिल्म की कमाई से भी बड़ी उम्मीदें लगाई गई है, और इस वजह से ही फिल्म की रिलीज 7 जनवरी को नहीं की गई थी, क्योंकि तब कोविड केसेस ज्यादा थे। इन सभी से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बाहुबली द कंक्लूजन की जो फर्स्ट डे की कमाई 110 करोड़ रुपए थी, और जिसने सभी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा था, ट्रिपल आर फिल्म की कमाई बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। अगर हम इन दोनों बिग बजट फिल्मों की कंपैरिजन करें तो बाहुबली के मेन हाइलाइट्स थे साउथ सुपरस्टार प्रभास, और ट्रिपल आर में रामचरण और जूनियर एनटीआर जैसे सुपरस्टार्स एक साथ हैं। साथ ही फिल्म में बॉलीवुड और हॉलीवुड के भी स्टार्स देखने को मिलेंगे। अगर कहानी की बात करें तो बाहुबली राजा महाराजाओं के वक्त की थी, और उसमें महिष्मती की रक्षा के लिए लड़ाइयाँ हुई थी, जबकि ट्रिपल आर हमारे देश की लड़ाई के वक्त की कहानी है, जिसमें दो क्रांतिकारी वीरों की कहानी बताई गई है। दोनों ही फिल्म पीरियोडिक है और इमेजिनरी है। दोनों फिल्म की थीम भी काफी मिलती जुलती है। ट्रिपल आर का थीम सॉन्ग और बाकी के गाने भी सोशल मीडिया पर बाहुबली के जैसे वायरल हुए हैं, लेकिन आज के इंस्टा रील्स के जमाने में ट्रिपल आर ज्यादा वायरल हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि जिनको बाहुबली पसंद आई थी, उन्हें ट्रिपल आर जरूर ही पसंद आएगी। आपको क्या लगता है कि ट्रिपल आर फिल्म बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।